अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शायान सलीम। एक वाकया ऐसा हुआ है, मैं स्कीम 33 में ही रहता हूँ, तो निकल रहा था मैं ये सफूरा वाली सड़क से, ये ओखाई मार्केट मशहूर है यहाँ पर, और यहाँ पे एक पार्क बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया था कम्युनिटी बेस। ओखाई मेमन जमात ने वो पार्क बनाया था और कोई अचानक से आके यहाँ पर तोड़ फोड़ कर गया है, उसके गेट तोड़ दिए उन्होंने, नुकसान पहुँचा दिए। और ये पार्क इतना ज़बरदस्त था, मैं जब भी निकल रहा था मैं ये सोचता था कि यार कम्युनिटी बेस भी अगर काम किया जाए तो कितना अच्छा हो सकता है, एक रिलीफ मिल सकता है लोगों को, घूमने फिरने की एक सुकून से बैठने की जगह मिल सकती है। ये ग्रीन बेल्ट है, ये इससे पहले तजावजात थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ओखाई मार्केट सफूरा के बिल्कुल साथ ये नया ग्रीन बेल्ट बनाया गया था, जो नक्शे में भी ग्रीन बेल्ट ही। अब पहले आप ये देखें भाई, ये हाल हुआ है इस ग्रीन बेल्ट का। ये समझें कि अभी मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए होंगे इसको बनाए में, और इतना ज़बरदस्त ये बनाया था कि जो भी निकलता था यहाँ पे गंद कचरा होता था, तजावजात होती थी, रेड़ी पतारे लगे हुए होते थे, और इसको तोड़ दिया गया इस तरह। वो फुटेजेस भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बिल्डोज़र आया, वो तोड़ फोड़ करके चला गया, ये बाउंड्री वॉल तोड़ दी। और साथ साथ ये देखें, ये ग्रीन बेल्ट की जगह है, ये ग्रीन बेल्ट है, और ये कम्युनिटी बेस काम किया था ओखाई मेमन जमात ने। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जिसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और वरना आपको पता है इस तरह के जो फुटपाथ होते हैं उस पर पथारे लग जाते हैं, तजावजात लग जाती हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे इसको खुद से इन्होंने बनाया था और ये तोड़ दिया गया। और अभी कब बनाए, ये 3 दिसंबर को इसकी यानी कि ओपनिंग हुई थी, इफ्तिताह हुआ था इसका, और ये कम्युनिटी बेस था। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे झूले लगाए गए थे, ज़बरदस्त इसकी मेंटेनेंस हो रही थी, ये वॉक के लिए बनाया गया था, आगे झूले लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए थे, लाइटिंग बड़ी अच्छी की गई थी। और ये मैं जब भी निकलता था मैं ये सोचता था कि यार ये क्या रोल मॉडल है यार, अगर लोग चाहें खुद से, बजाय हुकूमत को कोसने के, वो नहीं कर रहे काम, उनकी जिम्मेदारी है ठीक है, लेकिन अगर कम्युनिटी बेस लोग मिल के भी करें तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि खुद से भी उनको शर्मिंदगी का एहसास दिला सकते हैं कि हम खुद भी कर सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे हम पूछते हैं। एक्चुअली ये पूरा खंडर था ओखाई में जमात के ताउन से, हमारे सदर साहब अजीज काट साहब ने अपने बी आप पे इस पार्क को डेवलप किया, इसमें आपके टाउन नाजिम ने इसका अख्तियार किया था, खास खली साहब ने, नौमान साहब इसके साथ साथ खड़े थे, वो सारा खर्चा जमात ने किया। ये बरादरी के हर कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए एक पार्क की सहूलत मुहैया की। ऑलरेडी ये वैसे भी ग्रीन बेल्ट है, तो अभी कुछ लोगों को एतराज़ था कि ये हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इसकी वजह से ये है कि उन्होंने केस पेश किया था, केस लगा हुआ था 21 तारीख में था, इससे पहले कि सुबह सवेरे आके लोग तोड़ फोड़ के चले गए। हमारे गार्ड जो हैं यहाँ जो थे